फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल और मैं डिवाइन सेंटर पाटुआ स्पिरिचुअलिटी की फाउंडर हूँ और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, और जो नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए, आज का जो वीडियो है हमारा वो एंजल नंबर्स के ऊपर है, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे को रिक्वेस्ट आ रहा था कि एंजल नंबर्स के ऊपर कोई नया वीडियो नहीं आया। आई होप जो मैं पिके कार्ड रीडिंग्स, पिके रूनस रीडिंग या पिके कप रीडिंग्स निकाल रही हूँ वो आप सब लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एंजल नंबर के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपीटेटिव नंबर्स। जब एंजल्स जो हैं वो हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, अगर हम एंजल थेरेपी का कोर्स करते हैं तो हम उनकी एनर्जी से अट्यून हो जाते हैं, हमारे लिए ईजी हो जाता है उनके साथ कनेक्ट करना। अगर आपने कोर्स नहीं करा है तब भी आप देखेंगे कि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत टफ होती है और आपको लगता है कि जस्ट कोई डिवाइन फोर्स थी जिसने आपको एकदम राइट टाइम पे बचा लिया। तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स एंड एंजल्स होते हैं। एंजल्स हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि हमसे बात करने के लिए बहुत तरीके ढूंढती है, जिनमें से एक तरीका है रिपीटेटिव नंबर्स देखना, यानी कि कोई नंबर आपको बार बार दिख रहा है। कैसे? आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको वो नंबर दिख रहा है, आप आपकी अचानक से नजर जाती है एसी के स्विच बोर्ड पे या उसके उसपे स्टेबलाइजर पे तो आपको सेम नंबर दिख रहा है। आप कहीं गए हैं आपको वही रूम नंबर मिल जाता है, आप कोई मैगजीन का या न्यूज़पेपर का पन्ना उलट रहे हैं आपको वो नंबर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो नंबर बार बार आपके सामने आता है। इसका मतलब एंजल्स आपको कुछ बताने का कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 888 अगर आपको बार बार दिखता है। देखिए, 8 नंबर ऐसा है जिसको अगर हम अपने इंडियन माइथोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माने तो वो सैटर्न का नंबर होता है। न्यूमरोलॉजी में भी उसको सुनते ही काफी सारे लोग घबरा जा जाते हैं, काफी सारे लोग उस घबरा जाते हैं ये सोचकर कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये नंबर हमारे लिए कुछ बुरा संकेत लेकर आ रहा है या फिर ये नंबर हमको सूट नहीं कर रहा है, सैटर्न का नंबर है या कुछ इस तरह का नंबर है। लेकिन अगर हम एंजल नंबर्स की बात करें, अगर आपको 888 बार बार दिख रहा है, यानी कि अगर आपको 888 दिख रहा है तो वो आपको फाइनेंशियल एंड अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है कि आप राइट पाथ पे हैं, आप जो भी पाथ पे चल रहे हैं वो सही है। अगर आपको 888 दिख रहा है, यानी कि 2 बार 8 दिख रहा है, यानी कि आपके जो एफर्ट्स आपने करे हैं, जो आपने बार बार जो अभी तक आपने मेहनत करी है अपने किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपका सक्सेसफुल हुआ है, यानी कि आपके वो मेहनत के फल मिलने का टाइम आपको आ गया। खास करके जब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो वहां पे बार बार एंजल्स हमको कम्युनिकेट कर रही होती है कि भाई जो आप एफर्ट्स कर रही है वो बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स को कम मत करिए या हताश मत होइए कि भाई मैं काफी टाइम से एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो एंजल्स आपको बताना चाहती हैं कि नहीं, आप बिल्कुल सही टाइम पर जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो डायरेक्शन कम्प्लीटली सही है। अब अगर आप नंबर जो होता है वो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो यूनिवर्स से आते हैं, यानी कि अगर आपको 888 दिख रहा है, 888 इज अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कि आपके जो क्या कहते हैं जो आपके एफर्ट्स हैं वो अब बहुत ही नियर बाय में, मतलब ये एंजल्स हैं कि आपको बहुत ही नियर बाय आपको वो पैसा या उसकी वो चीज प्राप्ति होने वाली है। लेकिन कहीं कहीं 888 ये भी बताता है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है, यानी कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस बिगड़ रहा है। पैसा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे के पीछे हम बाकी चीजों को ओवरलुक कर दे। यानी कि वो आपको ये गाइडेंस लेके आ रही है कि जो डिजायर्ड मनी है या जो डिजायर्ड करियर है, जो डिजायर्ड अबंडेंस है, वो ऑलरेडी सही रास्ते पे जा रहा है, आपको मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सेटिस्फेक्शन होना भी जरूरी है और अपनी हेल्थ को उसके चलते हैम्पर ना होने दें। जैसे एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई चीज, आपको कहीं से कहीं ज्यादा पैसा ऑफर मिल रहा है लेकिन आपको पता है कि वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, तो आपको हेल्थ चूज करना चाहिए। ये अगर आप 888 नंबर दिख रहे हैं तो एंजल्स ये आपको बताने की कोशिश कर रही हैं।
तो ये तो था 888 and 888 के लिए एंजल्स क्या कम्युनिकेट कर रही हैं। उसके अलावा हम बाकी और नंबर्स लेकर आएंगे। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, और मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कुछ और टिप्स बनाऊंगी, कुछ और थोड़ा क्लैरिफिकेशन के साथ बनाऊंगी, जो आप लोगों के डाउट्स रह गए हैं या जो कन्फ्यूजन रह गए हैं उनको हम अब क्लियर करते चलेंगे अब आने वाले वीडियोज में। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप एंजल थेरेपी का कोर्स करना चाहते हैं, एंजल कार्ड रीडिंग का, टैरो कार्ड रीडिंग का, कॉफी कप रीडिंग का, किसी भी तरह का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वैसे कंसल्टेशंस भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।